रायता भी खा लिया दोस्तों। और रायता खाने के बाद एक सोच आई मेरे दिमाग में, मैंने कहा क्यों ना वो बताया जाए, और अभी नहीं बताऊंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। दोस्तों मेरे आमा बूबू की एक निशानी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अभी नहीं दिखाऊंगा तो घाटे में मैं नहीं आप लोग रहेंगे, फिर टिकट देख के देखना पड़ेगा आप लोगों को। सो दिखाएं, तो देखिए दोस्तों कैसी लगी मेरे अम्मा बूबू की निशानी, सोचा आप लोगों को दिखाई दूँ, क्योंकि पता है अब ये निशानी भी ऐसे जाने वाली है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, जिसका नाम है द ह्यूमन नेचर। दोस्तों मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि मुझे लगा यार दोस्तों के साथ शेयर की जाए, पता है उसके बाद क्या है लंदन म्यूजियम वालों को पता चल चुका है कि दो कुर्सियाँ जो एंटीक हैं, एंटीक पीस, वो मेरे पास है मेरे घर में, तो वो आने वाले मेरे पास, उनका फ़ोन आया तो बोलते हैं कि यार म्यूजियम में रखेंगे। मैंने कहा यार म्यूजियम में रखेंगे तो यार मेरे दोस्तों को तो टिकट देना पड़ेगा, और वो भी वहाँ तो डॉलर चलते हैं, कई हज़ार डॉलर खर्च करने के सिवाय फिर देखने का इनको कोई चारा भी नहीं है दोस्तों के पास फिर। तो मैंने सोचा क्यों ना यार फ्री में ही दिखाया जाए अपनी वीडियो में, मैंने कहा हफ्ते 10 दिन में तो फिर ये म्यूजियम वाले ले जाएंगे, तो दोस्तों इस वजह से मैंने आपको दिखाई। अब आप कहोगे यार ये आमा बूबू की निशानी कैसे है, तो मेरे आमा बूबू की लगभग 10वीं शादी की सालगिरह थी दोस्तों, तब उनके चाहने वालों ने उनको गिफ्ट किया था, क्योंकि उस ज़माने में क्या था कि काम बहुत होता था ना, मियाँ बीवी को मतलब आपस में मतलब चर्चा करने का या बातें करने का टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से जो है कि उनके चाहने वालों ने उनको गिफ्ट दिया था। तो वो क्या करते थे कि उस दौरान जब काम वाम हो जाता था घर का आमा का, और बूबू जब आ जाने वाले ठहरे काम से, तो दोनों प्यार के पल साथ में चेयर में बैठ के मतलब अपना बातें बातें करना, चाय वाय पीना, और सुबह सुबह सर्दियों में धूप सेकना, काम के मज़े लेना। तो दोस्तों यही थी फिर मेरे आमा बूबू की निशानी जो भी अब लंदन म्यूजियम में जाने वाली है। तो दोस्तों यही था बस आले दिल भैया मैंने तुम्हें कर दिया है, अब तुम भी बताना भाई ये जानकारी तुम्हें कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, हाँ और ऑल का ऑप्शन जरूर दबाना दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद गुड बाय।